गियर भी नहीं डालना पड़ता, ड्राइव पे लगा दिया। अच्छा, बहुत तेज सही में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार आज आप लोगों के सामने खड़ी है टाटा की एस, यानी कि छोटा हाथी। लेकिन आज तक ना आप लोगों ने ये देखी होगी पेट्रोल में या सीएनजी में, लेकिन आज जो आप सामने देख पा रहे एक ब्लू कलर की और एक व्हाइट कलर की, ये दोनों है आप लोगों की इलेक्ट्रिक। मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप ग्रीन नंबर प्लेट देख पा रहे हो। येलो इसलिए क्योंकि कमर्शियल में यूज हो रही है, बाकी दोनों ही आप लोगों की इलेक्ट्रिक है। और अब ये चलाने में कैसी है, कितनी चलती है, एक बार में लोडिंग कैपेसिटी कितनी, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम ब्रोशर से डिस्कस नहीं करने वाले, यानी इसकी डिटेल्स वैसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है इनके ओनर, यानी कि राजेश सिंह यादव। सर आ जाइए। तो ये है राजेश सिंह, कैसे है सर? बढ़िया है सर। कब से चला रहे हैं आप ये सब कमर्शियल में? कमर्शियल में हो गया 5 साल। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको? हाँ। यानी कि आपने पेट्रोल डीजल सीएनजी सब तरह की चला के देखी होगी। ये कब से चला रहे हैं आप? इसको हो गया 2.5 महीने हो गया। एक नया प्रोडक्ट आया है, वैसे आपने टाटा के वो भी चलाए होंगे, टाटा एस। हाँ। जो कि पेट्रोल सीएनजी में आते हैं। हाँ, वो सीएनजी पेट्रोल सारे। हाँ। तो उसके मुकाबले आप बता पाएंगे अच्छे से कि ईवी में क्या अंतर मिल रहा है आपको? अब ये बताइए कि ये आपको चलाने में कैसे लगता है? सबसे पहले तो मस्त लगता है चलाने में। मस्त लगता है? हाँ, इसमें गियर भी नहीं डालना पड़ता बार बार। गियर नहीं डालना पड़ता, मतलब जैसे पेट्रोल में तो अपने वो लीवर होता है। हाँ। इसमें कैसा सिस्टम है? इसमें तो सिर्फ 3 ओनली बटन है। 3 बटन है। एक बार दिखाएंगे कैसे? एक बार बताऊंगा। एक तो रिवर्स है। हाँ। एक ड्राइव का है। हाँ। बीच में एक न्यूट्रल। अच्छा, बस 3 बटन दबाने हैं बस। अच्छा, एक बार दिखा देंगे कैसे है? हाँ बिल्कुल, दिखाइए। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये रिवर्स का है। अच्छा, और ये न्यूट्रल है। हाँ, आर है जो बना हुआ है। ठीक है, ये रिवर्स हो गया। ये बीच में आओगे न्यूट्रल है, ये फिर पीछे आएगा ड्राइव। अच्छा। हाँ, आपको जैसे अभी मान लो मैं रिवर्स में लगा रखा। हाँ, तो पीछे जाएगी गाड़ी। तो पीछे जाएगी ये। इसको आगे करने के लिए पहले न्यूट्रल दबाना पड़ेगा। अच्छा। न्यूट्रल दबाने के बाद फिर ड्राइव पे करनी पड़ेगी। तब आगे की तरफ जाएगी ये। तो मतलब वो सारा झंझट वगैरह हटा दिए जिसमें कोई लीवर वगैरह होते थे, अपना क्लच वगैरह। इसमें कोई अच्छा, दो ही पैडल होंगे फिर? बस इसमें दो ही पैडल है, एक रेस का, ये ब्रेक हो गया। अच्छा, ये एक्सीलेटर हो गया। अच्छा, तो मतलब अगर कोई नया इंसान भी है जो इसमें जाना चाहता है और वो ईवी से स्टार्ट किया, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसे चलाने में, सीखना आसान है। इसमें सीखना आसान है। अच्छा, बाकी अब अंदर की बात बाद में करेंगे, भैया ने अभी मेन बता दिया है गियर का। बाकी और क्या अच्छा लगता है आप लोगों को गियर कलर से? एक तो झंझट खत्म होगी भाई बार बार चेंज करना, क्योंकि सामान के साथ अगर आप क्लच वगैरह दबा के चेंज करते हो ऊंचाई वगैरह में तो काफी दिक्कत आती है। इसमें सिंपल हो गया। और क्या क्या चीजें आप लोगों को इसमें अच्छी लगती है? इसमें अच्छी ये लगती है कि एक तो पेट्रोल पंप पे लाइन नहीं लगानी पड़ती। पेट्रोल पंप पे लाइन? हाँ, हाँ, ये है। जैसे आप कमर्शियल लोग क्या है, कमर्शियल में चलाते हो ज्यादातर सीएनजी में लेते हैं। हाँ। टैक्सी वगैरह भी देखी होगी, ट्रक वगैरह। हाँ। तो लाइन बड़ी लंबी लगती है। हाँ। सही कह रहे हैं आप, इसकी वजह से पेट्रोल पंप में भी लाइन नहीं लगानी पड़ती। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसको सारा दिन काम कर लो, करीब लगभग ये एक बार चार्ज करोगे तो 150 किलोमीटर जाती है। 150 किलोमीटर? अच्छा, तो मतलब अगर किसी का जैसे एक एरिया में काम है, सब्जी वगैरह लाने का या सामान वगैरह का, ग्रोसरी वगैरह या और भी कोई दूसरा सामान। हाँ। तो आराम से हो पाएगा, बार बार चार्ज नहीं करनी। हाँ, उसके लिए कंफर्टेबल है, बराबर एकदम निपटा दे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने जैसे भी कहा पेट्रोल पंप नहीं जाना पड़ता। हाँ। घर पे ही चार्ज करते होंगे? हाँ, तो ये घर पे ही चार्ज हो जाती है। चार्ज कहाँ से होती है, सॉकेट दिखाएंगे, मतलब कहाँ पे लगाते हैं? बिल्कुल, सॉकेट दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही सेम ही है ईवी, बस कलर अलग है, वो नीला है और ये अपना सफेद है। अच्छा, यहाँ से चार्ज होती है? ये यहाँ से चार्ज होती है, ये यहाँ पे इसका पॉइंट बना हुआ है ये। अच्छा, यहाँ इसमें अपना वो गन डालो चार्ज करने वाली। हाँ, इस पे चार्जर लगा दो। हाँ। इसको चार्जर लगाने के बाद। हाँ। अपना उधर। अच्छा, पे आपका सॉकेट होगा, घर वाले सॉकेट से चार्ज होगी, नॉर्मल पावर प्लग ना, इसके लिए अलग सॉकेट, थोड़ा हाई पावर का सॉकेट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं जैसे कि आप, ये चार्जर है, ये यहाँ पे ऐसे करके चार्जिंग पे लगा। ठीक है, इसका एक ये प्लग है। ओके, इसको अपने घर पे जो भी सॉकेट है, बोर्ड है लाइट का, उसमें ये प्लग लगाओगे। अच्छा, लेकिन इसका अलग थोड़ा प्लग लगेगा, हैवी वाला। हाँ, इसका थोड़ा मान लो जैसे नॉर्मल चार्जर रहता है घर पे, फैन वैन का हो गया या मोबाइल का हो गया या फ्रिज का हो गया, उससे थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। ओके, तो ये उस पे लगाए और बटन दबाना। ये देखो इतना लंबा, अगर आपने गाड़ी कहीं खड़ी कर दी और अभी आपका प्लग दूर है तो भी आप लोग इतना आराम से लगा सकते हैं, और बीच में गांठ भी लगी हो तो इससे भी लंबा हो जाएगा। ये है, ठीक है भैया। बाकी भैया आपको भी एक्सपीरियंस होगा थोड़ा चलाने का? भैया आपको भी एक्सपीरियंस होगा थोड़ा चलाने का? चलाई है। आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर।
आप कब से चला रहे हैं, मतलब कितना एक्सपीरियंस आपको? दो महीने हो गए इसको चलाते हुए। अच्छा, आपको कैसी लग रही है वैसे चलाने में? बढ़िया लग रही है हमें। पेट्रोल वाली से? पेट्रोल डीजल से बढ़िया गाड़ी है, सीएनजी से भी बढ़िया। अच्छा, है। चलाने में भी कोई आवाज वगैरह? बिल्कुल कोई आवाज नहीं है, बढ़िया सन्न चलती है पानी की तरह। फिर तो ठीक है। और वैसे अगर लोड वगैरह रखते हैं, सस्पेंशन वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बराबर ही चलती है, लोड ले लो चाहे ऐसी ले लो, मतलब देखा जाए तो उससे अच्छी है, गियर वगैरह नहीं है, कमी कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं, ठीक है। भैया एक चीज बताओ, ये जो बगल वाला है इसके, ये किस लिए है? ये दूसरा वाला फास्ट चार्जिंग करने के लिए। अच्छा, किसको जल्दी चार्ज करना हो तो? हाँ, जैसे जल्दी okay. चार्ज करना है उसके लिए एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है। अच्छा, वैसे एक चीज बताओ, नॉर्मल में अगर आप चार्ज करते हो इस गन से, हाँ, कोई बटन वगैरह नहीं, सीधा खींच लूँ? हाँ, इसको सीधा खींचना है। अच्छा, ये देखो इस तरह की है। अगर इससे चार्ज करता हूँ मैं नॉर्मल वाले से, तो कितना घंटा लगेगा इसे चार्ज होने में? 5 घंटे लगेगा। ऐसे मतलब वो तो आपने थोड़ी बहुत छोड़ रखी होगी, क्योंकि कंपनी कहती है 6 घंटे लगते हैं, 6 या 7 तो हो जाती है आराम से। हाँ, तो इसमें मान लो पूरा यूज नहीं कर होता ना, जीरो तक नहीं जाती, कभी 10% कभी 20% बचा रहता है, तो इसमें 5 घंटे लगते हैं। अच्छा, हो जाती है मतलब। अच्छा ठीक है, कर दो एक बार ये बंद। हाँ, ये अच्छा, इसको आप लोग भी कर सकते हैं ताकि और कोई ना छेड़े? हाँ, इसको लोग कर सकते हैं कि कोई दूसरा मान लो आके छेड़े ना इसको। अच्छा अच्छा, बच्चे अच्छे मान लो पार्किंग में खड़ी कर दो तो बच्चे अच्छे परेशान करते हैं। अच्छा यार, मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। हाँ। ये इसका कवर भी है ना मेरे ख्याल से? हाँ, कवर है ना भैया, कंपनी इसका कवर भी देती है आप लोगों को। ये चार्जर का कवर है, इसमें आप चार्जर आराम से रख सकते हैं ना, इसमें चार्जर रख दो। तो ये है कि वैसे तो ये 150 किलोमीटर चल जाती है आराम से और आप लोगों का सारा काम कर देगी, लेकिन बाई चांस मान लो आप कहीं और दूर चलेगा और बैटरी बाई चांस आप लोगों की पूरी खत्म हो जाती है, इतना यूज कर लिया आप लोगों ने, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं पेट्रोल पंप वगैरह पे, जहाँ पे भी सॉकेट हो और चार्ज कर सकते हैं अपना। ये है कि पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, यानी कि अच्छी जगह अगर आप ऑफ रोड भी जाते हैं, क्योंकि हर जगह यार प्लेन सड़क नहीं होती, जैसी कुछ जगह उबड़ खाबड़ भी होती है, अगर आप लोग डिलीवरी करने जाए तो अटकेगा नहीं। नीचे आप लोग यहाँ पे मोटर मिल जाती है और यहीं पे बैटरी आ जाती है। अच्छा भैया एक चीज, पीछे अपने जैसे इसमें कमानियां मिलती है आगे पीछे, लोड वोड सही उठाती है? हाँ, लोड बराबर उठाती है। अच्छा, 13 इंच का आप लोग इसमें टायर मिल जाता है, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा भैया एक बार पीछे की तरफ आ जाओ, इसका बताओ ये जो डाला है, एल्यूमिनियम का है ना? ये एल्यूमिनियम स्टील। अच्छा, एल्यूमिनियम। ये बताओ ये कंपनी से बना बनाया आता है? हाँ, ये कंपनी बॉडी, मतलब आप लोगों ने ऑर्डर करनी पड़ती है हाइट के लिए। अच्छा, हाइट कितनी चाहिए आपको? हाँ। बाकी कंपनी बना के देती है? हाँ। ये नहीं कि आप घर पे ले आए फिर 10 जगह चक्कर काटे भाई मेरा डाला बना दे, सब कंपनी से होता है। अच्छा, कितना सामान आता है खोल के दिखाएंगे एक बार इसे? भाई ये देख लो, पीछे अपनी वहाँ नीचे स्टेपनी आती है, हेलोजन में लाइट्स है, और ये अपनी खोलो और ये अपनी पीछे रिवर्स लाइट और 3 पार्किंग सेंसर, यानी आप गाड़ी को बैक करते हैं तो अगर पीछे कुछ भी दीवार वगैरह आ गई कोई दूसरी गाड़ी तो गाड़ी पीपी करने लग जाएगी, वो है। बाकी डाला है ये, कितना सामान आता है भैया इसमें? इसमें मान लो सामान के ऊपर है आपका, कौन सा सामान है? नहीं, जैसे कंपनी कहती है कि 600 किलो ये आराम से उठा लेगी। हाँ, ये हाँ, आपने चलाई तो आपको क्या एक्सपीरियंस, मतलब कितना सामान उठा लेती मेरे है? मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से तो इसमें 610 कंपनी पासिंग है। हाँ, इसमें अगर 700 भी लोड डालोगे तो आराम से चल जाएगी, आराम से चलेगी, कंपनी थोड़ा कम ही बताती है। अच्छा, बाकी जो इसकी हाइट वगैरह है वो सब आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से। अच्छा, एक चेयर मेरे को काफी अच्छी लगी, वैसे भैया आपको भी लगा होगा ये। हाँ। नॉर्मल हम जब डाला बनवाते हैं बाहर से तो नॉर्मल बनता है बस लोहा वेल्ड करके। हाँ। इस तरह की बिडिंग वगैरह नहीं देते ना। अब इसका फायदा क्या है, बारिश वगैरह में पानी अंदर नहीं जाएगा, पूरा सील प्रूफ रहेगा। हाँ, इसका यही प्रॉफिट है सील ये लगने से, कि अंदर बारिश जैसे हो रही है या मिट्टी वगैरह धूल में वो नहीं जाती, सब जगह रखी है, तो मतलब ये कंपनी से लेने का फायदा हुआ है, बाहर से नहीं लगवाई ये है। चलो, वैसे ऊपर की तरफ आप लोग वहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाता है और सेम आप लोगों का ये इधर भी है। और बंद कैसे करते हैं भैया, दिखाना, दूसरे में तो कुंडी टाइप से लगती है। अच्छा, इसमें लीवर लगाना पड़ेगा नीचे और ऊपर, और ऊपर देख के। हाँ, ये लीवर करके ऐसे बंद कर दिया। और यहाँ पे अपना कुछ लॉक वगैरह ताला भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह का। बाकी देख लो, पीछे से कुछ इस तरह का लुक आता है, नीचे से भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा भैया, आप अंदर से बता दो एक बार क्या क्या है अंदर से। ये तो अपना स्टीयरिंग, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल स्टीयरिंग हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे देखो नॉर्मल चाबी आती है, ये यहाँ पे चाबी आती है, ठीक है, ये ऑन करोगे तो ऐसा ये आएगा। अच्छा, ये इसका मीटर बीच में है? हाँ, इसका मीटर। अच्छा, मैं वो सेट जाता हूँ फिर दिखाते हैं। हाँ, अब बताओ भैया, ये अपना मीटर हो गया। अच्छा, हाँ, ये इसका लॉकर भी है, मान लो वो रखना है। अच्छा, कुछ सामान वगैरह अपने लोग करके रखना है, टूल वूल जैसे, ठीक है, छोटा मोटा, तो यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, एक बार ये मीटर ऑन करेंगे फिर से? हाँ, यहाँ पे मीटर देखो, ये रीडिंग दिखा रहा है। अच्छा, मतलब कितना चले हैं आप? हाँ, ठीक है, ये ओरिजिनल रीडिंग है, ठीक है, इसका
डबल भी है। अच्छा, ट्रिप ए ट्रिप बी। हाँ ठीक है, ट्रिप ए ये ए है। हाँ, और ये बी है। ठीक है, ये मान लो टोटल कितना चलेगा अपने गाड़ी। ठीक है, ये और ये अपनी ये बैटरी दर। ये बैटरी देखो फुल दिखा रही है आपको। अच्छा, और ये क्या एसओसी? ये परसेंटेज बता रही है। अच्छा, मतलब बैटरी कितनी चार्ज है वो? हाँ, ये बार कितनी चार्ज है उसके लिए बता रही। और यहाँ पे ये अपनी स्पीड आ जाती है, स्पीड मीटर है इधर। ठीक है। हाँ। अच्छा, और ये जो एन है मतलब न्यूट्रल है अभी? ये अभी न्यूट्रल है, ये ऑक्शन देता है। जैसे यहाँ पे आप बटन दबाओगे वैसे यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बार करेंगे जैसे कि आप ये ड्राइव करनी है। ठीक है, ये डी वाला दबाएंगे। अच्छा, ये डी पे आ गया। डी पे आ गया अभी। ओके ओके। एक्चुअली ये भी दबाने के पहले इसमें ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सीधा नहीं दबा सकते? हाँ, पहले ब्रेक दबाना पड़ेगा। पहले ब्रेक दबाओगे तब ये आपका डाइवर्शन लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले बटन इंगेज करेगी, बाकी काम नहीं करेगी। अच्छा भैया, पर ये दिखने में तो मतलब जैसे बड़ा वो महंगा टाइप से लगता है, गाड़ियों में आता है, प्राइवेट गाड़ियों में। हाँ। ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ। कमर्शियल में भी कंपनी अच्छा दे रही है कि ड्राइवर वगैरह को ये ना लगे हम क्या चला रहे हैं, क्या चला उनको रहे भी थोड़ा अच्छा लगे। इसमें एक्चुअली महसूस ये नहीं होता कि हम कोई भारी वाहन लेके जा रहे हैं। इतना हल्की चलती है। एक बात अच्छी लगी कि इसमें जैसे और जो दूसरी है मैंने देखी है कमर्शियल भी, उसमें ये नॉन एडजस्टेबल होता है, अपनी हाइट से एडजस्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या ऊपर नीचे कर सकते हो ये अपने हिसाब से, है ना? हाँ, अपने हिसाब से सिर वाला ये कर सकते। और ये अपनी जो सीट है ये भी कपड़ों की होती है, इसमें थोड़े अच्छे मटेरियल की है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो इस तरह का कुछ मटेरियल है। सही भी लगता है पीछे अपना, यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है। इधर नेट आ गया, इसमें तो कुछ है नहीं ना, इसमें वैसे ही है वैसे। अच्छा, ये इधर हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है। अच्छा अच्छा, ये सब आपने बता दिया। अब मेन बात पे आते हैं, चलाने में किसी कोई दिक्कत वगैरह? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टीयरिंग वगैरह कटाई वगैरह में कोई दिक्कत भी अटकता हो? स्टीयरिंग वगैरह कुछ ये बराबर चलती है, जैसे नॉर्मल अपनी चलती है। हाँ। अच्छा, जैसे आपने इसमें सामान रख लिया मान लो चढ़ाई पे चढ़ाते हो। हाँ। तो कोई दिक्कत आती है? कम पावर लग रही हो आपको कि भाई चढ़ेगी नहीं है, नहीं, पीछे से भगा के लानी हो थोड़ी? नहीं महसूस होता है क्योंकि इसमें गियर तो चेंज नहीं करनी। हाँ, डायरेक्ट एक्सीलेटर देना है। हाँ, तो पूरा दबा दोगे पावर? पूरा दबा दो, वो अपना स्पीड पे अपना किसी हिसाब से चढ़ती रहे। अच्छा, और ये ड्राइव पे है, ड्राइव पे लगा दिया। अच्छा, बस सीधा चलाना है? हाँ, तो चला के दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, अपने को बस सीधा एक्सीलेटर पे रेस देनी है। ये पूरा रेस देंगे तो ये भागेगी 60 तक जाएगी, बहुत तेज। सही में मतलब पिकअप तो अच्छा है इसका। हाँ, पिकअप तो अच्छा है। ये देख लो इतनी जल्दी 40 पे पहुंची, हालांकि खाली मैं मानता हूँ 45। ये देखो 50 पे आराम से पहुंच जाती है। हाँ। ये है, चलो कोई नहीं भैया पहुंच जा, ठीक है आराम से। ब्रेकिंग भी ठीक है इसकी। यार बाकी ये था टाटा एस का पूरा ओनरशिप रिव्यू जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। और हमारे साथ मदद करने के लिए थे जिन्होंने इसका रिव्यू दिया, वो थे राजेश यादव जी। भाई कैसा लगा आपको ये पूरा? बस आप अगर कोई लेना चाहे तो राय देंगे कि हाँ ये ले या पेट्रोल का कहेंगे आप? ले। मस्त है ये, मस्त है पेट्रोल और ईवी। ईवी मस्त है, पेट्रोल ईवी मस्त। चलो भैया ने भी कह दिया भाई ईवी लेना। बाकी यार अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बाकी अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।